दर्शकों नमस्कार। जब हम बात करते हैं बाल रोगों की, तो पिछले 2-3 माह अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक केवल 2-3 माह में ही 10,000 खसरे के रोग से बच्चे ग्रसित हुए हैं, जिनमें से 40 मौतें हो गई हैं। और यूनिसेफ के एक अनुमानिक जो उनका अनुमान है आधिकारिक, उसके अनुसार हमारे देश भारत में इस समय 27 लाख बच्चे खसरे के रोग से ग्रसित हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहता है थैलीसेमिया के हमारे देश में 1.5 लाख के मरीज हैं और 10 से 15 हज़ार मरीज हर वर्ष आते हैं। जब बच्चों के रोगों की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे पेडियाट्रिक कैंसर, बच्चों को कैंसर होता है, पूरे विश्व भर में हर वर्ष 4 लाख रोगी आते हैं बच्चे, उनमें से 75 हज़ार बच्चे लगभग हमारे देश भारत में आते हैं। कहने का तात्पर्य कि 20% जो कैंसर के मरीज हैं, पेडियाट्रिक्स कैंसर, उसमें 20% हमारे भारत का हिस्सा है। ये मैं 2-3 रोगों की बात कर रहा हूँ जो बच्चों को होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनका हमारे देश में अब क्या रोकथाम की जा रही है, उनके बचाव के लिए कौन कौन से हमने कार्यक्रम किए। और इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव कुमार डिगरा जी। नमस्कार सर। जो एक 2008 से थैलीसीमिया सेंटर भी चार रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और 2014 से पेडियाट्रिक कैंसर वार्ड है, उसके आप एस्टैब्लिशर हैं, एस्टैब्लिशमेंट आपने की है, और पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थैलीसीमिया क्या होता है पहले जी बताइए। थैलीसीमिया एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जी जी। और ये जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, बच्चों को खून की कमी रहती है। जी जी। उनके अंदर खून बनता है, पर वो खून प्रॉपर नहीं बन पाता, और जितना बनता है वो इसलिए टाइम टू टाइम वो खून खत्म होता जाता है खुद भी। मैं कहने का तात्पर्य जो प्राण वायु ऑक्सीजन है, हाँ, उसको लेने का भाग है जो हेमोग्लोबिन है, तो इसमें हीमोग्लोबिन ही प्रॉपर तरीके से नहीं बनता। जी जी जी। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन रहा है। जी जी। जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो खुद ब खुद खत्म होते जाते हैं। जी जी। जिसको हम लोग अपनी भाषा में हीमोलिसिस कहते हैं। जी जी। और इसीलिए इन बच्चों को हमेशा खून की कमी रहती है। जी जी। और खून की कमी रहने की वजह से इन बच्चों को जीने के लिए, अगर हम इनको जिंदा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको हमें टाइम टू टाइम खून चढ़ाना पड़ता है। जी जी जी। और जब हम इनको टाइम टू टाइम खून चढ़ाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को महीने में 2 से 3 बार खून चढ़ाना पड़ जाता है। एक एक बच्चे को? एक एक बच्चे को। जी जी। वो इनके लिए एक तरह से लाइफ लाइन है। जी जी। अगर हम उनको खून ना दें तो उनकी ना तो प्रॉपर ग्रोथ होगी, और अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से खून ना दें तो वो ज़्यादा देर जी भी नहीं पाएंगे। जी जी। पर जब हम उनको लगातार खून चढ़ाते हैं, तो खून चढ़ाने की वजह से आयरन जो है वो उनकी बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये नवजात शिशु जो होते हैं, ये जन्म से पहले ही ये रोग लेके आते हैं या जन्म लेने के बाद ये रोग लगता है थैलेसीमिया? ये थैलेसीमिया जो ही है जन्म से पहले ही डिसाइडेड है, यानी कि जन्म से पहले ही ये रोग उनके अंदर, बॉर्न विद डिफेक्ट समझ लीजिए। जी जी जी। पर जन्म के तुरंत बाद इसका पता नहीं चलता। जी जी। पहले 3-4 महीने कुछ पता नहीं चलता, जी जी। पर आमतौर पर 3-4 महीने के बाद ये बच्चे जो हैं, इनको खून की कमी शुरू हो जाती है। जी जी। और साथ ही साथ इनकी तिल्ली बढ़ना शुरू हो जाती है, इनका जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर माता पिता को पता चलता है कि हमारे बच्चा तो ये तो इसका रंग ही सफ़ेद होता जा रहा है। और फिर जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और अगर उसका प्रॉपर से तब जांच होती है, जांच की जाए, तो तब कहीं जाके हम उसका डायग्नोसिस। कहने का मतलब इसका समय पे पता नहीं चलता है अमूमन इसका आमतौर पे पता चलता है 4 से 6 महीने के आसपास ही। क्या ये नवजात जो स्वस्थ शिशु होता है, उसको भी इस रोग के पनपने का खतरा रहता है थैलेसीमिया का? देखिए, इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि जो माता पिता हैं उनको अपना कैरियर स्टेटस का पता होना चाहिए। जी जी। ठीक है। ताकि उनको पता होगा कि अगर वो दोनों के थैलेसीमिया कैरियर्स हैं, तो उनके आने वाले बच्चे में 25% चांस रहते हैं कि वो बच्चा जो है वो थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। जी जी। तो उसके लिए जो अगर पूरी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग की करनी हो, जी तो जी, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। जी जी। तो उस वजह से हमने जैसे अपने SMGS हॉस्पिटल में जो अब रिसेंटली शुरू किया है, जी जी, कि हम एंटीनेटल मदर्स हैं। जी जी। जो मदर्स जब
एंटीनेटल टाइम में हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं जी जी, हम उनमें ये टेस्ट करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं क्या वो कैरियर तो नहीं है। जी जी जी। अगर वो थैलेसीमिया के कैरियर पाई जाती हैं तो फिर हम उनके हस्बैंड का टेस्ट करते हैं। अच्छा। अगर उनके हस्बैंड भी थैलेसीमिया के कैरियर पाए जाते हैं तो फिर हम उस मदर में एंटीनेटल डायग्नोसिस करने की कोशिश की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे कि हम एक सैंपल लेते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। जी जी। और वो माँ के गर्भ से वो लिया जाता है सैंपल, और उसके बाद उस सैंपल की जांच की जाती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया तो नहीं होने वाला। इसका पहले भी आप डायग्नोज कर सकते हैं जन्म लेने से पहले। हाँ, जन्म लेने से पहले। जी जी जी। शुरू में ही कोई समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी के 10 से लेके 14 हफ्ते के आसपास हम इसका पता लगा सकते हैं, और अगर हमें पता चल जाए कि आने वाले बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर माता पिता के साथ डिस्कस करके जी जी तो वो फैसला ले सकते हैं कि क्या उन्होंने इस बच्चे को जन्म देना है कि नहीं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो बचपन में ही ग्रसित है इससे रोग ग्रस्त करता है या जवानी में या किसी भी समय हो सकती है थैलेसीमिया? देखिए, थैलेसीमिया मैंने जैसे पहले आपको बताया कि थैलेसीमिया अगर मेजर है, जिसको कहते हैं थैलेसीमिया मेजर डिजीज जो है जी जी, वो आमतौर पर 4 से 6 महीने के आसपास अपना लक्षण बता देती है, लक्षण दिखाना शुरू कर देती उसके है। तो उसका पता चल जाता है और फिर उसके बाद उसका हमें जो एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है वो शुरू करनी पड़ती है, जैसे रेगुलर ट्रांसफ्यूजन है, फिर आयरन निकालने की दवाइयां हैं, फिर रेगुलर चेकअप्स हैं, वो सब कुछ हमें उसी समय शुरू करना पड़ जाता है। हाँ, इसमें एक किस्म होती है जिसको हम थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पर 2 से 3 साल के आसपास उन जी जी 2 साल के बाद उनका पता तब चलता है। जी जी। और तीसरी एंटिटी जो है वो है थैलेसीमिया माइनर, जिसको आप कह लो थैलेसीमिया कैरियर, थैलेसीमिया ट्रेट, वो उनको कोई एज सच कोई लक्षण नहीं दिखता है। उनका हीमोग्लोबिन करीब करीब 8.5 से लेकर 10 के आसपास रहता है जी जी, और उनको कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है सर। वो हम जैसे हम में से ही कोई हो सकता है थैलेसीमिया कैरियर हो, अगर हम अपना टेस्ट करा के देखें जी, तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहते हैं जी, पर एक ही रिस्क रहता है कि अगर एक थैलेसीमिया कैरियर की दूसरे थैलेसीमिया कैरियर से शादी हो जाए जी जी, तो उनके आने वाले बच्चों में 25% चांस रहते हैं कि थैलेसीमिया। एक कम्युनिकेबल डिजीज भी है, जो संक्रमित भी है, मतलब दूसरे से हो सकता है जी? नहीं, दूसरे से तो नहीं होगा, कम्युनिकेबल नहीं कह सकते जी जी, पर ये पास ऑन होता है, पास ऑन हो जाता है, जेनेटिक हेरिडिटी हो सकता है, हेरिडिटी डिजीज है जी जी, पास ऑन हो जाती है जी जी। अभी हमारे एक बहुत मशहूर एक्टर है भारत के, जैकी श्रॉफ, उनको 2018 में हो गया था जे इसके लिए, तो वो जिसको मेजर हो जाता है उसका के लिए क्या डायग्नोज किया जाता है इसका? देखिए, अगर थैलेसीमिया मेजर है जी जी, तो थैलेसीमिया मेजर का हमें पता चलता है सबसे पहले कि उसको खून की कमी पता चलेगी जी जी, उसको खून की कमी होनी शुरू हो गई जी, खून की कमी के साथ साथ उसको उसका जिगर तिल्ली बढ़नी शुरू हो जाती है जी जी। जब हम उसके खून के जाँच करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे उसको खून की कमी हो रही है जी जी, तो हम उसके बेसिस पे कुछ एक कैलकुलेशंस करके हम उससे भी स्क्रीन कर सकते हैं जी जी। बट जो फाइनल डायग्नोसिस है जी, वो फाइनल डायग्नोसिस जो होता है वो एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं जी जी, टेस्ट जी जी, उसमें जो है इस डिजीज का फाइनल डायग्नोसिस निकल आता जी जी। है। और अगर आप बिल्कुल इसको कंफर्म करना चाहते हैं फिर आप उसके लिए जेनेटिक स्टडीज कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट आगे इलाज क्या है, क्या देते इलाज हैं इसके लिए? इंजेक्शन है कोई, दवाई है कोई, या क्या? इसके लिए एक इलाज तो ये है जी, कि आपने टाइम टू टाइम खून चढ़ाना है जी जी, जब अंदर आयरन की तादाद बढ़ गई तो आपने आयरन निकालने की दवाई जी देनी है। ये तो हो गया इसका रूटीन, और इसके अलावा उसका फॉलोअप। अगर आप कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट यानी आप डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहते हैं कि हमेशा के लिए ये खत्म हो जाए, उसके लिए फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ, बीएमटी जिसे, वो उसी बात में आना चाहता था कि ये सबको जरूरत नहीं है करने की, ये ट्रीटमेंट जो मेजर वाले। देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर हम कर पाएं जी जी, तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका रिस्क भी रहता है कुछ, पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आसान चीज नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, डिफिकल्ट है। नंबर वन, डोनर का पता मिलना जी जी, बेस्ट रहता है कि अगर भाई बहन में से कोई डोनर मिल जाए जी जी, पर उसके चांसेस भी 25% ही रहते हैं, 25% से कम ही होते हैं कि किसी को भाई बहन में से डोनर मिल जाए। यस सर, भाई बहन, ठीक है, तो इसलिए डोनर मिलना बड़ा मुश्किल है। नंबर दो, थोड़ा खर्चीला काम है जी जी, आमतौर पे 10 से लेकर 15 लाख रुपए का खर्चा आता है एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे, अगर वो भाई बहन जी, दस से पंद्रह लाख खर्चा, बहुत खर्चीला ट्रीटमेंट है। अगर कोई भाई बहन में से ही, अगर कोई, अगर अनरिलेटेड डोनर है तो ये डबल हो जाती है, ये कॉस्ट उतनी ही ज्यादा हो जाती है। फिर इसके बाद
अगली प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा के बाद में, तो सब में बॉडी एडजस्ट करेगी। हाँ, तो सब में सक्सेसफुल, हालांकि आज की डेट में सक्सेस रेट बहुत हाई है। जी जी, आज की डेट में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, सक्सेस रेट बहुत हाई है, बट फिर भी 100% तो नहीं है। देखो, एनीमिया और थैलेसीमिया ये दोनों एक ही बीमारी या अलग अलग है? एनीमिया भी खून की कमी कहा जाता है। देखिए, एनीमिया अगर हम मान लें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। जी जी, जिसको भी खून की कमी है उसको हम कहेंगे जिसको एनीमिया है, पर उसके कारण बहुत सारे हैं। जी जी, आयरन डेफिशिएंसी से हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी से हो सकता है, थैलेसीमिया हो गया इससे हो सकता है, कई बार ब्लड कैंसर है उसकी वजह से भी खून की कमी हो। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप पेडियाट्रिक कैंसर वार्ड के भी एस्टेब्लिशमेंट है जो आपने 2014 में किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, ये पेडियाट्रिक कैंसर क्यों होता है बच्चों को, देखिए क्या कारण है? हाँ, इस चीज़ का तो अभी सही में पता नहीं चल सका है, पर माना जाता है कि अगर किसी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि उसको खास कोई खास ट्रिगर मिलने पे जी जी कैंसर हो सकता है। जी जी, ठीक है, तो ये माना जाता है कि मे भी शायद कोई जेनेटिक, क्या ये ठीक हो सकता है बच्चों का जो कैंसर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का कैंसर जो है एडल्ट कैंसर के बनिस्पत ज्यादा चांसेस हैं ठीक होने के। इसको रोकने के, रोकथाम के क्या उपाय हैं बीच में, मेन मुख्य मुख्य? हाँ, देखिए, अगर बच्चों के कैंसर की बात करें तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी इसके कारण का ही पूरी तरह से, जैसे बड़ों में तो हम कहते हैं ये सिगरेट पीता है या तंबाकू खाता है इसकी वजह से हो, छोटे बच्चों में ऐसा कोई कारण, लेकिन 2 साल के बाद पता चलता है इसका भी, 2 और 7 साल के बीच नहीं, जल्दी भी पता चल सकता है, पहले पता चल सकता है। कुछ कुछ कैंसर होते हैं वो जल्दी पता दिख जाते हैं। इसके लिए एहतियात क्या बरतना चाहिए हमें, इसके कुछ एहतियात के लिए क्या? अगर किसी फैमिली में, यानी कि अगर जो ये बच्चा है, बच्चे के अगर किसी माता पिता या भाई बहन में अगर कैंसर पाया गया है जी जी पहले जी जी, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा पेरेंट्स को एहतियात रखना है, टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाते रहना, चेकअप करवाते रहना है जी जी, और कुछ एक लक्षणों की ध्यान रखना है जी जी, कि अगर कोई बच्चा जैसे कैसे लक्षण, जैसे अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है जी जी, ठीक है जी जी, खून की कमी रह रही है जी जी, फिर उसको कहीं लाल लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं से ब्लीडिंग मसूड़ों से, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, कोई बोनी पेन्स हैं, जॉइंट में पेन है जो ठीक ही नहीं हो रही है, लगातार चले जा रही हैं, मतलब कोई भी ऐसा सिम्टम मिले तो उसके लिए हमें डॉक्टर की जांच करवानी चाहिए इसके अलावा कोई स्वेलिंग हो गई है पेट में, स्वेलिंग छाती में, स्वेलिंग कहीं बोन्स में, कोई स्वेलिंग है तो ये कोई लंप जिस तरह से हम जिसको कहते हैं वो, फिर इसके अलावा बच्चों में जो एक कॉमन आंखों का कैंसर रहता है रेटिनोब्लास्टोमा, अगर आंखों में जो बीच का सेंटर का काला सा छोटा सा पोर्शन रहता है अगर वहां पे व्हाइट रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाए, वो सफेदी आने, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, ऐसे हम मोतियाबिंद के, पर इन बच्चों में वो व्हाइट जो मोतियाबिंद की वजह से नहीं, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो बच्चों में दिखे, या फिर उनको बुखार ही रह रहा है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है और बुखार ठीक ही नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें जो हैं ये लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कभी ऐसा कुछ लगे तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, अपने बच्चे का प्रॉपर चेकअप। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आशा करते हैं कि दर्शकों को ये बहुत ही लाभकारी जानकारी हुई, खासकर जो हमारे नवजात शिशु हैं उनके लिए, ये ऐसी जानलेवा बीमारियां, इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, इनके इलाज के लिए आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन परिवार की पूरी ओर से, आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आज इतना ही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।